मैं कहते कहते नहीं थकूंगी। आपको डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को ही पहले अटेम्प्ट करना है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। हाय, अगर तुम सीए एग्जाम्स को लेकर सीरियस हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। सीए एग्जाम्स लिखते वक्त 3 आवर्स का पेपर होता है। इन 3 घंटों में से जो सबसे फर्स्ट आवर होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वाई? बिकॉज यू सेट द टोन फॉर द पेपर। तुम अपना माइंडसेट एज वेल एज आपके पेपर चेकर का माइंडसेट इस पहले घंटे में सेट कर देते हो। जब आप कॉन्फिडेंटली फर्स्ट आवर में सारे अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो या कॉन्फिडेंट वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहता है और आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी शायद इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब ऑपोजिट सिनेरियो, अगर आप पहले ही घंटे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव सिनेरियो में चले गए हो, तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप शायद वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हेंस सबसे इम्पॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सबसे पहले इस फर्स्ट आवर में सॉल्व कर लेने चाहिए। और जब पेपर सेटर इन सारे अच्छे क्वेश्चंस को चेक करता है तो उसका भी आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एंड हेंस द चांसेस ऑफ अ बेटर मार्क्स आर मोर। अगर आपको माइंडसेट इंप्रूव करने के बारे में और टिप्स चाहिए तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करो और हम आपको एक लिस्ट भेजेंगे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। वेल, फॉर मोर सच इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड अपडेट्स, बिल्कुल नहीं भूलना है जीरो इन्फी को फॉलो करना और मुझे फॉलो करना।